प्रभात, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हो गई हूँ सुबह सुबह रेडी और अब मैं अपने लिए लेके आ गई। अभी अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, लेकिन ब्रेकफास्ट से मेरा पेट नहीं भरा। उसके बाद मैं अपने लिए चाय और फैन लेके आ गई, साथ में ज्योति के लिए भी लाई हूँ। तो अभी हम, मैं और ज्योति, आराम से दोनों बैठ के चाय और फैन खाते हैं। लोहे वाले इतना सारा लोहा वेस्ट करके गए हैं, तो अब इसको हम सस्ते में बेचेंगे। हाय, मुझे दे दो। नहीं, ज्योति और मैं ले आएंगे, आराम से ले आएंगे। ठीक है, फिर हम ले आते हैं। पानी का पाइप लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी उसकी पानी का वो करवाना है, कनेक्शन देना है। पानी का कनेक्शन होने लग गया है, प्लम्बर आए हैं। अब हमें पानी के टैंकर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं उन लोगों को, प्लम्बर को, चाय देने के लिए गई थी, तो मैं दोनों ग्लास भर के ले गई थी। तो वो बोल रही कि इतनी सारी चाय, मैंने बोला हम पहाड़ी है ना, तो इसलिए हम चाय पीते भी ज़्यादा और देते भी ज़्यादा। तो बोल रहे इतनी ज़्यादा, मैंने बोला हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता कोई कैसे कह देता होगा इतनी ज़्यादा, मुझे तो जितनी ज़्यादा दे दो उतना कम है। मैंने अभी डिग्गी में रख लिया है ये पट्टा और मोफलर, बाकी टोपी तो मैं पहन नहीं रही हूँ, तो मैंने इसलिए ये सब रख लिया। अगर रास्ते में ठंडा होगा तो पहन लूँगी। मतलब कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, इधर ही पे जा रही हूँ, पास में ही। लेकिन ऐसा होता है ना, आजकल बहुत ठंड हो रहा है, तो बहुत ठंड में ऐसा हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि काश मैंने रखा होता डिग्गी में। तो मैंने रख लिया। ज्योति मेरे ग्लव्स लेने गई है, क्योंकि मैं ग्लव्स लाना भी भूल गई थी। ज्योति बोल रही है नाना लेके आ, वरना तुझे ठंडा लग जाता है स्कूटी चलाते टाइम, तो वो लेने गई है। ज्योति ने ग्लव्स रख लिए डिग्गी में। क्या कह रही मम्मी? अभी मैं और ज्योति आ गए उत्थान मंच उत्तरायणी के कौतिक में, जो 8 से 15 जनवरी तक लगने वाला है। तो अभी चलो देख के आते हैं आज क्या क्या हो रहा है। आज इसे उद्घाटन है उत्तरायणी कौतिक का। ये देखो, पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच, हीरानगर, हल्द्वानी। यहाँ पे हम लोग कोई मतलब प्रोग्राम वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे नाम भी लिखा सकते हैं अगर हमें कुछ करना चाहें तो। आज से दुकानें लगना भी शुरू हो गई हैं, यहाँ पे दुकानें लग गई हैं, सारी लग गई हैं लगभग। उत्तराखंड की बहुत, मतलब ना हमारी जो हमारे यहाँ की दाल है, ये देखो गहत की है, और वो देख इसे क्या बोलते हैं, लोबिया। अच्छा, लोबिया मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ। बहुत सारी दालें हैं जो हमारे उत्तराखंड में होती है, वो सब दालें। अचार यहाँ पे खुद का बनाया हुआ। मैं भी सोच रही थी ऐसा, यहाँ पे नींबू की चाट बना के भी दे रहे हैं चूक सान के। कितने की एक प्लेट? 20 रुपए की बेटा। अच्छा, 20 रुपए की एक प्लेट। यहाँ पे आके आप लोग खा सकते हैं। बड़ी, ये बड़ी का ही क्या? ये भुजे की, पेटे की। अच्छा, पेटे की, भुजे की। अच्छा अच्छा, आप अच्छा नींबू भी सान रहे हो आप लोग? मंडवे के मोमो खत्म हो गए। अच्छा, आज हमने माल कम बनाया। आज आपने, आज से शुरू हुआ है ना? आज शुरू हुआ ना, टाइम लगता है इसमें। अच्छा, आलू है आप कल से बनेगा, मतलब ये सब आप प्रॉपर कल से? अच्छा ठीक है, डेली हम लोग काम करेंगे। ओके ओके ठीक है। वाओ, मंडवे के मोमो, चलते जाओ, नई नई चीजें मिलते जाएंगी। ज्योति, मंडवे के मोमो, भगवान। बहुत सारी बिनी भी, वो टोपी वगैरह भी आई है अपने हाथ से बिनी भी। वाह, इयररिंग वगैरह सब यहाँ पे आ गए। वाह, ये यहाँ पे भी नीवी स्वेटर है। ये स्वेटर आपने बिन रखी है? ज्योति यहाँ पे देखने लग गई है भी नीवी स्वेटर। अरे यहाँ पे वो भी आ रखा है, पिछवाड़ा रंगियाली।
ये यहाँ पे भी पहाड़ी चीज है, मतलब गहत की दाल। और ये क्या है? ये चपटे भट्टे हैं। अच्छा, वो काले वाले भट्टे। हाँ, काले भट्टे, गोल भट्टे, चपटे भट्टे। ये इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? चपटे भट्टे और काले, मतलब गोल भट्टे? चपटे भट्टे ये तो गहत की तरीके से होते हैं। अच्छा, ज्यादा होता है तो छोटा होता है। गोल भट्टे इज लाइक मोर काला सोयाबीन। हाँ ठीक है, ओके। सोयाबीन, सोयाबीन नहीं है, बाकी जो सफेद वाला होता है। कहाँ गई क्यूँ? अच्छा, वो वहाँ जाएगी। महिला पिछड़ा वर्ग सरकारी समिति द्वारा संचालित। अच्छा, ज्योति यहाँ पे पायदान देखने लग गई। ये अपने हाथ से बनाए हुए इनके? ओके, 100 रुपये का एक पीस। चल फिर मार्केट में 100 के 2 मिल जाते हैं। ये देखिए, इन्होंने ये जो टोकरी अपने हाथ से बनाई है। अच्छा, तो पायदान ही देखने में है, उसको पायदान की बहुत ज़रूरत है मुझे लग रहा है। ज्योति, मुझे लग रहा है तुझे पायदान की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे भी पढ़ाई हमारा पीछा नहीं छोड़ी, देखिए यहाँ पे भी उत्तराखंड की बुक दिख गई। 301 अच्छा, CDS, समूह गौ वगैरह सब, कुमाऊँ का इतिहास, उत्तराखंड के, मतलब यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ रही है पढ़ाई हमें। अब यहाँ पे मिल रहे हैं भुट्टे और भेलपूरी, पकौड़े, जलेबी, चाय। जो तुम्हें चाय का ठेला लगा लूँ क्या? अच्छी भी की यार, मैं टेस्ट भी बनाती हूँ ना। हाँ हाँ, पकौड़े, ए पकौड़े सन्ने मार्केट कहेंगे। हाँ, चाट वगैरह सब है पिछाने। हाँ, तो एक फुल ज्योति खाने लगी उत्तरायणी की पहली चाट, उत्तरायणी मेले की। कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है ना? जो सबसे मेन है वो है ऐपण, यहाँ पे जो ये हमारे उत्तराखंड का ऐपण कला, बहुत अच्छी बनाती है इन्होंने। और ये बनाती है ना, ऑर्डर पे बनाते हैं आप? ऑर्डर पे बनाते हैं ऐपण? अच्छा, वही मैं दिखा रही थी, बहुत प्यारा है ये, पेंट से बना रखा है पूरा। ये है यहाँ का स्टेज, यहाँ पे ये लोग जो उत्तराखंड के सांस्कृतिक लोक नृत्य या लोक गीत वगैरह सब यहाँ पे होते हैं। मैं यहाँ पे आंटी लोगों से फोटो खिंचवाने लग गई थी, तो आंटी भी मुझसे फोटो खिंचवाने लग गई, अब आप हमारी क्लिक कर दो। मैंने परेशान कर दिया आंटी लोगों को, वो दोनों आंटी लोगों से मैंने इतनी फोटोज खिंचवाई, उनको परेशान कर दिया। इरिटेट हो गई होंगी कि उत्तरायणी कौतिक में मेला देखने आए थे या फिर फोटो खींचने। छोटे बच्चों का बजाने वाला आरव के लिए ले जाएंगे। उत्तरायणी कौतिक से कितने गए? 50 रुपये, 50 रुपये गए। बजा के ही तसल्ली कर लेते, 50 रुपये नहीं मेरे पास। मेरा डेली का रूटीन, जब स्कूटी में बिल्कुल तेल नहीं होता है ऐसा लगता है कि अब पता नहीं कहाँ पे रुक जाएगी, तब स्कूटी में पेट्रोल डलवाती हूँ। अभी मैं आ गई पेट्रोल डलवाने, बहुत कम रुपए लेकिन इतने में ही डलवाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो इधर ही पे रह जाऊँगी मैं। तो मैंने कहा चलो डलवा ही लेते हैं। इतना सारा पेट्रोल अंकल ने गिरा दिया, अब पेमेंट तो मुझे ही करना पड़ेगा ना इसका। शाम के 5 बज गए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो मैंने अपने आप को पैक कर लिया। बाकी आजकल शाम होते ही पूरा कोहरा आ जाता है, ये देखो इतना कोहरा आ गया है। तो अभी मम्मी और मेरा प्लान था कि संडे मार्केट जाएंगे। मम्मी और मैं आ गए संडे मार्केट। पहले मुझे लग रहा था मम्मी नहीं आएगी, मम्मी गुस्सा हो गई थी कि मैं एक बार आधे रास्ते तक जाके वापस आई हूँ तो मम्मी नहीं आने वाली थी। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज़ चलते हैं। आज बहुत महंगा है सब कुछ। सेब छाटने की सबसे अच्छी ट्रिक है, खड़े हो जाओ, जो जो लोग छाट के जिनका बच रहा है उसको अपने पास रख लो, बस मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। आज सब्जी और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन फिर भी मैंने बार्गेनिंग कर ही ली। ज्योति अच्छी बार्गेनिंग करती है लेकिन मैं उतनी अच्छी नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी की मैंने, मम्मी से ज़्यादा अच्छी। मतलब अब क्या लेना है? टमाटर, सारा सामान ले लिया। अब लास्ट में हम लोग लेंगे मेथी। यहाँ पे भैया मिल गए, देखते हैं भैया हमारे क्या लेते हैं। भैया मेथी क्या रेट है? बड़ा महंगा दे रहे हो। सारा सामान लेके आ गए मम्मी और मैं, अब जल्दी घर जाते हैं। मैंने सोचा था पॉपकॉर्न लूंगी, वहाँ पे बहुत भीड़ लग गई थी, फिर मैंने पॉपकॉर्न भी नहीं लिया। अब मैं लूंगी टाइम पास। हाय, आपने मुझे पहचाना?
पहचाना? आपको याद है पहले भी आए थे? आए थे ना? पक्का? पक्का चलूं? आज आप आज यहीं रहो ना, यहीं रहो आज। यहीं रहोगे? बताओ, रहोगे? हाँ, यहीं रहोगे? नहीं, क्यों? बाय। कहाँ जा रहे हो? चलो चलो आग सीखते, चलो चलो आग सीखते, चलो चलो। बाय। कितना चाला कि जैसे हॉर्न सुना इसने आग के पास आ गया, धुआं लग गया। क्या पकड़ूं मैं? आग पकड़ूं? मैं कैसे पकड़ूं आपको? आपको कैसे पकड़ूं? ऐसे पकड़ूं? जाओ आप, जाओ। बाय बाय। हमारे संडे मार्केट से आज तक ज्योति ने आग जला के रखी थी। मैं अपने लिए लेके आई थी टाइम पास, तो अभी मैं आराम से बैठ के टाइम पास खाती हूँ, क्योंकि टाइम पास करने के लिए टाइम पास खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास टाइम पास करने के लिए इतना टाइम है नहीं। खाना पीना हो गया मेरा, वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, मैं वीडियो को अपलोडिंग पे लगाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो में कमेंट करो। बाकी अब हम कल मिलते हैं नई सुबह की नई शुरुआत के साथ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।